हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतरीन और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपका 20 से 25 नंबर कवर होने वाला है। क्लास 10th के लिए वीडियो है यह। वीडियो आज के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ही ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे बच्चे, स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे हर एक वीडियो में कि सर क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसका जितना महत्वपूर्ण जो सूत्र है ना, और उसके बारे में एक वीडियोस बनाइए। तो वही वीडियो लेकर हम आ गए हैं। यह जो वीडियो है इस बार 2022 के जितने छात्र और छात्रा एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए, और जो क्लास 10वां का जो मैथ है ना, उस बुक का पूरा आपका जो सूत्र होता है ना, सबको आज डिस्कस करेंगे, पूरा समझाते चलेंगे। वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग पूरा सूत्र के बारे में देखेंगे। चलिए पहला नंबर सूत्र क्या आता है, जो वास्तविक संख्या होता है चैप्टर चैप्टर फर्स्ट सभी के सीरियल वाइज चैप्टर से हम पूरा फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। इसमें पहला आता है कि भाज्य, आप पढ़ते हैं बचपन क्लास में पढ़े थे, क्लास 7th और 8th में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग कर प्लस सेस पर, वही है। या इसको a बराबर b क्यू प्लस r आपको लिखा है, क्योंकि आप एल्गोरिथम में पढ़े हैं इसमें नियम को। फिर है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भी इसकी जगह पर लिख सकते हैं बराबर अमावस्या गुणे लसा एलसीएम गुणे एचसीएम, दूसरा फॉर्मूला है। फिर तीसरा जो फॉर्मूला है ना, करा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी मैं जो बहुपद वाला वीडियोस भी बनाया था उसमें आपको बता दिया था क्या है कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है सामान्य सूत्र क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी आपका जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और त्रिघात बहुपद में वही हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तो बहुपद के लिए है, और समीकरण के लिए भी यही है, सिर्फ इसके बराबर में हमको क्या कर देना है, तो सबके बराबर में जीरो कर देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का चाहे समीकरण का जो डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी बहुपद को जब शून्य के बराबर लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समीकरण कहते हैं। वह द्विघात होगा तो द्विघात, रैखिक समीकरण होगा तो रैखिक, और त्रिघात समीकरण होगा तो त्रिघात, समीकरण का हो जाएगा जनरल फॉर्मूला यानी व्यापक रूप हो जाएगा। फिर छह नंबर से आता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। देखिए बुआ, रैखिक बहुपद जहां दिए हो ना, उसका घात कितना होता है, तो एक होता है। फिर द्विघात, द्वि का मतलब दो, तो घात होगा दो, त्रि का मतलब तीन, तो घात होगा तीन, यहां तक समझ गए हैं। फिर नौ नंबर फॉर्मूला आता है, इसमें शून्य को और गुणांकों के बीच जब संबंध को सत्यता से जब हम जांच करते हैं ना, उसमें इस चीज का हमको काम आता है। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, इसके बारे में आप लोग डिस्कस किए होंगे, बहुत जानकारी आपको प्राप्त होगी इसके बारे में। फिर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यह द्विघात बहुपद के लिए आता है। फिर यहाँ पे आता है त्रिघात बहुपद के लिए, क्योंकि त्रिघात द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होता है। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, एक और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ। आपका रहेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होता है। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो दो होता है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो तीन होती है। या जिसका घात जितना होगा उतना उसका शून्य का क्या होगा, तो संख्या होगा, इस तरह से उसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आपका त्रिघात बहुपद में आता है तो शून्यकों की संख्या तीन होता है, पहला शून्य को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा से निरूपित करते हैं, जो माइनस बी बटा ए, इस तरह से आपका यह फॉर्मूला त्रिघात बहुपद के लिए है। फिर कारण नंबर आता है कि द्विघात बहुपद, अब यहाँ पे लिखवा सा कमेंट करेगा कि सर जी द्विघात बहुपद का है, इसका फॉर्मूला का क्या मतलब है, तो इसमें आपको दिया रहेगा प्रश्न में कि द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए हैं तो उसका क्या निकालिए, तो द्विघात बहुपद निकालिए, उसका आपका शून्य को दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कभी कभी शून्य को दिया रहेगा, या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल रहेगा यानी अल्फा प्लस बीटा का कुछ मान दे रहेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का कुछ मान दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्मूला में बैठा के याद कर लेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से याद करेंगे इससे समझिएगा, क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात है तो स्क्वायर तो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे लिखवा कहेगा कि सर जी हमको चिन्ह नहीं याद होता है, तो चिन्ह नहीं याद होता है तो देखिएगा, ये जो पहला का होता है सर हमेशा प्लस में लिखा था, अल्टरनेट चलेंगे चिन्ह का, प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेंगे। अगर इसी में रहेगा ये तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वाला छूट गया है, त्रिघात बहुपद वाला लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिघात बहुपद के लिए एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स का स्क्वायर, यह माइनस हो गया, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू एक्स। अब देख रहे होगा ये वाला प्लस में है तो अगला क्या होगा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, यह इसका सूत्र हो जाएगा त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। फिर यहाँ पे 12 नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है आपका। क्या है, a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के। इसके लिए तीन शर्त है, आपको तीनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी नहीं करेगी, या समानांतर है या समपाती है यानी आश्रित है, इस तरह से आपका पूछा जाएगा। यह फॉर्मूला यह मालूम रहेगा ना, a1 by a2 b1 by b2 निकालिए। इसके लिए तीन कंडीशन आता है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, संगत होगा, केवल एक हल यानी जिसको अद्वितीय हल हम लोग कहते हैं। फिर दूसरा आता है कि यानी 13 नंबर, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, तो c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होगी, असंगत हल होगा, कोई हल संभव नहीं होगा इसमें। जो आपका तीनों बराबर है, 14 नंबर फॉर्मूला, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के और बराबर रहेगा c1 by c2 के, तो इसके लिए क्या होगा, रेखाएं समपाती होगी जिसको आश्रित कहते हैं, संगत हल होगा और अनेक हल संभव होंगे। 14 ही, इस तरह से पूरा जितना फॉर्मूला है ना, सभी के बारे में बात करेंगे, पूरा आपका डीपली नॉलेज आपको मिलेगा। इस वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि एक वीडियोस में 20 से 25 नंबर आपका कवर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें रिक्वेस्ट कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि सर हमको क्लास 10th का जो मैथ का पूरा फॉर्मूला के वो बता दीजिए, तो इसी के लिए वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। अब आगे का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट यानी 15 नंबर आता है विवेचक, यानी विवेचक कहते हैं किसको, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। ये द्विघात समीकरण का, जो द्विघात समीकरण आपका चैप्टर 4 है, उसी का यह फॉर्मूला है। तो पहले समझ लेते हैं कि विवेचक किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल सूत्र में उपस्थित। अब कहेंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं सर जी, तो द्विघात समीकरण यही है, द्विघात सूत्र यानी b²-4ac, यानी यही है इसका विवेचक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा विवेचक का, कि द्विघात सूत्र में उपस्थित b²-4ac जो मूलों की प्रकृति की विवेचना करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विवेचक कहते हैं, जिसको कैपिटल डी से निरूपित करते हैं, और उसका मान क्या होता है, b²-4ac होता है। फिर 16 नंबर आता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी वही प्रकृति के यहाँ भी हम लोग समझ रहे हैं, जब डी का मान, विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा, यानी डी कहने का मतलब कि b²-4ac का मान किससे बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा, तो उसका मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होंगे, तो असमान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, तो भिन्न होंगे। यानी जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कहने को कि प्लस में 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जब डी का मान निकालेंगे, यानी किसका मान, b²-4ac का मान जब हम निकालेंगे, जब 0 से बड़ा होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो प्लस में जो वैल्यू आएगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और असमान होगा, और उसका दोनों जो मूल होगा ना, वह भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। उसको इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b²-4ac/2a, जो प्लस माइनस होता है उसको दो बार लिख दीजिएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। फिर आपका आता है 17 नंबर जो फॉर्मूला है, जब d का मान 0 के बराबर होगा, जब 0 के बराबर होगा d का मान, यानी b²-4ac का मान जब 0 के क्या होगा, तो बराबर होगा, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, तो दोनों मूल बराबर होंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे, x बराबर माइनस b/2a माइनस b/2a, इसका दोनों मूल हो जाएगा। फिर 18 नंबर है, जब d का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा कहने का मतलब है दोस्त माइनस में होगा, माइनस 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या होगा वह माइनस में होगा, उसके लिए इसमें नियम है, क्या होगा, मूल अवास्तविक होंगे और मूल संभव नहीं है, उसकी जो प्राकृतिक होगी वह अवास्तविक होगी, उसका मूल जो है संभव नहीं है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है कि द्विघात सूत्र, जो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है, द्विघात सूत्र क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर v²-4ac/2a, इसको हम लोग बाबा का सूत्र कहते हैं शॉर्ट में, यानी जिसका नाम है, यानी श्री धाराचार्य बाबा जी ने है इस फॉर्मूला का खोज किया था, इसके बारे में पूरा डिफाइन किया था, इसलिए इसको धाराचार्य सूत्र या इसको बाबा के सूत्र के नाम से फेमस हम लोग करते हैं, बाबा के सूत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाबा के सूत्र के नाम से यह फॉर्मूला आपको जल्दी याद हो जाता है। द्विघात समीकरण और बाबा का सूत्र कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही चीज है मेरे दोस्त। तो द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र वही चीज है,
और बाबा का सूत्र दोनों सेम है, यानी वही फॉर्मूला है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने श्री धराचार्य बाबा जी ने यहाँ पे किया था। इसके बाद यहाँ पे आता है एपी का कुछ फॉर्मूला, जिसमें एपी में थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे। एपी के जो प्रथम पद है उसको कैपिटल एस से और सर्व जो अंतर उसको डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे होता है कि जो एपी दिया रहेगा ना उसमें पहला जो पद है उसको ए कह लेंगे। अब डी निकालने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग करते हैं कि ए टू माइनस ए वन यानी बाद वाला में से पहले वाले को एक घटाते हैं तो हमारे पास डी का माना जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि प्रथम पद को तो हम लोग ए से कहते हैं, लेकिन दूसरा पद को किससे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तीसरा पद को, चौथा पद को, तो जयमा पद कहेगा ना, दूसरा पद कह रहा है ए, वो ए लिखेंगे और उसमें डी जोड़ दीजिएगा दूसरा। अगर जो तीसरा कहेगा तो ए प्लस टू डी, क्योंकि एक का काम तो ए कर रहा है, अब इसमें अगर जो तीसरा कहेगा तो ए प्लस टू डी, चौथा कहेगा तो ए प्लस थ्री डी, इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ ए टू ए थ्री ए फोर करके हम लोग लिख लेंगे इस दूसरे पद को। अगला कह रहा है कि एनमा पद यानी जिसको ए एन या टी एन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाता है, तो डी हो जाता है। फिर कह रहा है कि एन पदों का योग जिसको एस एन, एस एन कहने का मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का जोड़ यानी योग बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, तो आता है कि एन बाई टू ए, एन बाई टू सॉरी टू ए माइनस सॉरी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है क्या है कि यदि अंतिम पद, अंतिम जो पद होता है उसको ए एन या एल लेने पर, एल या ए एन जब हम लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन या एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। और इसके बाद आपका जो 23 नंबर फॉर्मूला है यानी जो फॉर्मूला बच गया इसमें का, जो आपका त्रिभुज का वो लास्ट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या है यह आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। हम बताते चलते हैं कि कौन फॉर्मूला किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि आपको लिखने में आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी, चैप्टर वाइज करके आप लोग इस फॉर्मूला पर लिख लीजिएगा। कल कि इस फॉर्मूला से आपको 20 से 25 नंबर क्लियर हो रहा है, और इस फॉर्मूला को अपने सॉरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए ना, कल उनका बेनिफिट होगा। इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, उसके लिए बेनिफिट होगा और आप सबके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपकी क्लास 10th की जो मैथ है उसकी पूरे फॉर्मूला को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पूरा अच्छे प्रकार से समझाते हुए याद कराते हुए। इसको दो बार तीन बार एक दो बार देख लीजिएगा, आराम से अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। जब नहीं होगा तो इस वीडियो को दो बार तीन बार करके देखिएगा ना, एक दिन में दो बार करके इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगा, याद करने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा उसमें। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम लोग इसके पढ़ते हैं चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या है, जब किसी समतल को चार भागों में हम बांट देते हैं उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो चतुर्थांश कहलाता है। चार भाग तो प्रथम है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहला और चतुर्थांश में होता क्या है, हम लोग एक्स वाई को लिखते हैं, पहले एक्स वाले टर्म को फिर वाई वाले को, सब चतुर्थांश में, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो, सब में एक्स वाई पहले करके हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो चतुर्थांश है इसमें दोनों प्लस होगा, दोनों प्लस कहने का मतलब कि एक्स वाला भी आपका प्लस में आएगा लिखेंगे और वाई वाला भी प्लस में लिखेंगे, लेकिन दूसरा चतुर्थांश में लिखेंगे ना तो ये वो माइनस वाला एक्स वाला, जिससे माइनस दू और वाई वाला प्लस में, तो प्लस में चार माइनस दू को मचा, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश में जब दोनों माइनस में होगा एक्स और वाई वाला तो तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा, और चौथा चतुर्थांश में है एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस में। इससे भी आपका दो से तीन नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, दिया रहेगा कि आपका 2.5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो प्रथम पाद प्रथम चतुर्थांश, इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका 24 नंबर आता है एक्स निर्देशांक को, यानी इस तरह से है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, इसको एक्स अक्ष इसको वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, जो एक्स वाला है इसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा कि एक्स जो निर्देशांक है उसको हम लोग या नियामक है उसको भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक है जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। फिर यहाँ पे 25 नंबर जो आपका है दूरी सूत्र होता क्या है, यानी दूरी सूत्र, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सॉरी रूट अंडर में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरा महत्वपूर्ण है, पूरा फॉर्मूला एक लेसन से लेके पूरा लास्ट लेसन तक की पूरा फॉर्मूला को आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत लॉजिकली आपको समझाएंगे, आसान से समझ में आएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन भी बहुत आसानी से चलेगा। और 20 से 25 नंबर बहुत हंसते खेलते एक दो बार वीडियोस को देखते आपको 20 नंबर आ जाएगा। अगला जो फॉर्मूला है आपका क्या है, 26 नंबर
मूल बिंदु की दूरी या मूल बिंदु से आपका किसी बिंदु का दूरी रहेगा तो क्या होगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। फिर 27 नंबर आपका है मध्य बिंदु का निर्देशांक जिसको एक्स को हम वाई के रूप में हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दू फिर वाई वन प्लस वाई टू बटा दू हो जाएगा ये आपका फॉर्मूला है। फिर 28 नंबर है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताना है जो त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में जो हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं ना उसका क्या बताना है तो उसका निर्देशांक बताना है आपको त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो निर्देशांक है क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा दू फिर यानी केंद्रक का है फिर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटा दू हो जाएगा ये इसका केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक का क्या है तो निर्देशांक है। फिर 29 नंबर आपका जो फॉर्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में तो क्या होता है हाफ ऑफ ये मॉडुलस लग रहा है तो यहाँ पे आपको बड़ी ब्रैकेट भी रह सकता है क्या होता है एक्स वन को बाहर लेते हैं तो वाई टू माइनस वाई थ्री फिर एक्स टू को बाहर लेंगे तो वाई थ्री माइनस वाई वन फिर हो जाएगा एक्स थ्री को बाहर लेंगे तो वाई वन माइनस वाई टू फिर मॉडुलस आपका लग जाएगा। यह मॉडुलस का बात यहाँ भी क्या आता है मॉडुलस है बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह हम लोग देते क्यों है हालांकि जितना हम पढ़ते हैं कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल प्लस में ना आएगा माइनस में था किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आता नहीं है मेरे दोस्त तो वही बता रहे हैं हम। तो इसी के लिए बड़ी ब्रैकेट दिया जाता है या मॉडुलस लगा दिया जाता है अगर जी इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आएगा ना ओकरा के कथी में लिख लेंगे हम लोग तो प्लस में लिख लेंगे ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद करने का कैसे 123 231 312 123 231 312 तो जानिए लिखिए कि जो फर्स्ट वाला है एक्स वाला दूसरा वाई वाला है तो 123 है तो एक्स वाला ही है एक वाई टू माइनस वाई थ्री 231 एक्स टू है वाई थ्री माइनस वाई वन और इस एक्स थ्री को बाहर करेंगे तो वाई वन माइनस वाई टू और इसका मोड लगा देंगे। फिर आपका 30 नंबर जो फॉर्मूला है अंत विभाजन सूत्र अंत विभाजन कहने का मतलब कि आपको आधा आधे भीतर से जो विभाजन करना उसके लिए सूत्र है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा में एम वन प्लस एम टू होता है फिर कोमा ये एक्स के लिए वैल्यू आता है और इस साइड वाला वाई के लिए आपका वैल्यू निकलता है एम वन वाई टू प्लस एम वन y1 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर 31 नंबर जो फॉर्मूला आता है बिंदु संरेख होंगे यानी बिंदु आपका संरेख कब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 29 नंबर जो फॉर्मूला है इस क्षेत्रफल को किसके त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब जीरो के बराबर लिख देते हैं ना तो बिंदु संरेख होता है इसीलिए हम बिंदु संरेख के लिए फॉर्मूला को आपको लिख दिए। आपका कोई क्वेश्चन कहता है कि बिंदु संरेख है और k का मान निकालिए तो इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा उसमें तो बिंदु संरेख के लिए फॉर्मूला क्या होगा x1 का सब चीज आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला भी रहेगा सिर्फ मोड और 1 बाई 2 को हम लोग रिमूव कर देंगे हटा देंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा x1 को बाहर करेंगे तो y2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y3 x2 को बाहर करेंगे तो y1 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 को बाहर करेंगे तो y1 माइनस क्या हो जाएगा तो y2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से 123 231 और 312 जो आपका फॉर्मूला समझाए ना 29 नंबर उसी तरह से आपका ये हो जाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। 32 नंबर जो है 32 नंबर से वह त्रिकोणमिति से है यानी त्रिकोणमिति का जो परिचय है ना उससे है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ये जानते हैं। अब यहाँ हम थीटा लेते हैं तो जिस कोण के लेंगे उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाते हैं उसको आधार कहते हैं और कर्ण सबसे बड़ी भुजा को या समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिएगा आधार को हम लोग बी से लंब को पी से और कर्ण को एच से प्रदर्शित करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या इसको हम लोग पी बटा एच लिख सकते हैं कॉस थीटा आधार बटे कर्ण इस तरह से लिख दिया हूं जिससे आपको प्रश्न को समझने और बनाने में आसानी होगा। फिर टैन थीटा लंब बटे आधार कॉट थीटा इसी का उल्टा कहला कि तीन हो क्योंकि आप लोग तो इसको पढ़े सिर्फ रिविजन कराना है फॉर्मूला आपको देना है तो साइन कॉस टेन है और इसी का उल्टा ये सब होता है टेन का उल्टा कॉट कॉस का उल्टा से और साइन का उल्टा कॉस से का ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। इसका 33 नंबर जो फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा यानी साइन थीटा को जो उल्टा इस फॉर्मूला को इस तरह से समझिएगा अगर जो कोई संख्या दू है इसी के उल्टा से एक बटा दू से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा संख्या हमारे पास एक आएगा संख्या तो वही इसमें कह रहा है कि जो साइन थीटा का उल्टा कॉस सेक थीटा है तो गुना कीजिएगा दोनों को आपस में कितना आएगा तो एक आएगा। अगर जिससे साइन थीटा को निकालना है और कॉस सेक गुना में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा उसी तरह से कॉस सेक निकालना है तो एक बटा साइन थीटा हो जाएगा।
ये सब फॉर्मूला याद कीजिए, आपको एग्जाम में इस तरह का फॉर्मूला पूछता है ऑब्जेक्टिव में। फिर कॉस में सेक्स से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अब इसमें हम कॉस थीटा निकालना है तो एक बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा है तो एक बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आपका जो फॉर्मूला आता है 35 नंबर है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, तो टेन थीटा में कॉट थीटा से गुना करेंगे तो एक आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा, ये 35 तक है आपका। फिर आपका 36 नंबर से है वही, ये आपका डिग्री वाला है, यानी साइन 90 माइनस थीटा वाला ये फॉर्मूला है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये फॉर्मूला को दो तीन बार रिवाइज कर ले पूरा, तो पहले तो एक इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा फॉर्मूला कॉपी कलम निकाल के उसको लिख लीजिए, उस फॉर्मूला को आपको याद कर लीजिए, पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा। आपके एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें से 20 से 25 के बड़े में से आ ही जाएगा फॉर्मूला से। फिर sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाएगा। फिर यहां से आपका क्या है, सर्व समीका वाला त्रिकोणमिति सर आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला आता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो एक होता है। तो यह जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कहीं कहीं पे आपका आ जाएगा sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर, तब पर भी 1 लिखना है। थीटा के जगह पर एक आए, 1 आए, बी आए, या कोई अचर राशि आ जाए तो सही मान कितना होगा, तो एक ही होगा। अगर जो हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, देखिए साइन वाला निकालना है तो कॉस वाला तो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इससे इससे आपका दो फॉर्मूला बना है, दो और बनता है जो रूट में करके हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है 44 नंबर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, sec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो tan वाला इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका ये सब जो फॉर्मूला है वो पूरा लिखते चलिएगा, आराम से आपको समझ में आ रहा है, दो बार तीन बार करके वीडियोस को देखते रहिएगा, पूरा अच्छा प्रकार से फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 10th से जितना विद्यार्थी ने सब इस वीडियोस को देखेगा, और इस वीडियोस को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्त के पास जो क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th में जाने वाले भी होंगे ना, तो इस फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगा, इसलिए इस वीडियोस को सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट इसमें पूरा क्लियर हो जाएगी, पूरा बारीकी से हम समझाते हुए फॉर्मूला को चल रहे हैं इसमें। फिर आपका आता है 46 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो इससे हम फॉर्मूला फिर दो निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। फिर यहां से आ जाता है जो 47 नंबर है ना, जो आपका 8.3 में जो एक चार्ट दिया होगा, यानी वह मान दिया होगा साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, यानी 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू आपका होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको दिया होगा। वह 6 यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, कौन कौन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी तीन तो उसका मेन चीज है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तीन है, साइन कॉस और टेन, और उसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट, उसके बाद हो गया साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उसका पूरा वैल्यू आपको याद कर लेना है। हम यहाँ पे कुछ लिखकर डॉट कर दिए हैं, पूरा इसका फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। जैसे हम एक बताए थे साइन के बारे में, साइन 0 होता है, साइन 30 एक बटा दो, साइन 45 एक बटा रूट दो, साइन 60 रूट तीन बटा दो, साइन 90 एक होता है, इसी तरह से कॉस का टेन का कॉट का सेक का सब फॉर्मूला को लिख लीजिएगा और उसको याद कर जाइएगा, अच्छा प्रकार से याद कीजिएगा, दो से तीन बार उसको रिवाइज कीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है साइन कॉस और टेन के फॉर्मूला से पूछता है, ज्यादा पूछता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 45 का वैल्यू कितना है, टेन 30 का वैल्यू कितना है, कॉट 60 का वैल्यू कितना है, यह सब फॉर्मूला जरूर पूछता है दोस्त, इसलिए यह फॉर्मूला को पूरा अच्छा प्रकार से याद कर जाइएगा, क्योंकि याद करते रहे या रिवीजन करते रहे, ये नहीं कि एक बार इस फॉर्मूला को याद कर ली अब छोड़ दी कि हाँ ये तो हमको पूरा याद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है,
एक दिन में एक बार पूरी फॉर्मूला को रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर रहेगा। किसी चीज को जब रेगुलर करते हैं ना तो आपको याद रहता है, वह काम करना याद रहता है। इसी तरह से इस फॉर्मूला को पूरा या वीडियोस को डेली बेसिस पर एक बार वीडियोस देखिए और इस फॉर्मूला को लिखकर डेली बेसिस पर एक बार याद भी कर लीजिए, आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। एग्जाम देने वाले हैं तो 20 से 25 नंबर आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा सिर्फ फॉर्मूला से। अगला जो 9 लेसन है ना, उससे कोई आपका क्या है फॉर्मूला नहीं है, उससे जो त्रिकोणमिति वाला है ना, वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला को हम लोग उसमें यूज करते हैं। ज्यादा फॉर्मूला उसमें यूज होता है टैन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का। यही सिर्फ फॉर्मूला से सिर्फ उसका फिगर समझना रहता है, फिगर समझ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसमें साइन कोस और टैन का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वो साइन 30, कोस 30, टैन 90, ये सब का टैन 30, टैन 60 का फॉर्मूला लगा के उस प्रश्न को हम लोग आप लोग समझ लीजिएगा। फिर आगे जो 10 नंबर है, वृत्त से संबंधित जो फॉर्मूला आता है उस पर हम लोग समझते हैं। क्या है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जो वृत्त है उस पर कितना अनंत स्पर्श रेखा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन रहेगा अनेक, 1, 2, 3, 4, 5, तो अनेक पर उसमें हम लोग टिक कर लेंगे। फिर आगे कहा है वृत्त पर किसी बिंदु, किसी एक बिंदु से, यानी वृत्त जो है उस पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक के वो। फिर अगला है 50 नंबर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु अगर जब बाहर लेते हैं तो उस पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बिंदु से, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर 51 नंबर है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर, कोई भी वृत्त है उसके किसी भीतरी बिंदु पर क्या होता है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यह 10 लेसन का आपका यह है, इससे आप समझ लीजिएगा। अब जो 11 लेसन है ना, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको ऐसे ही कॉन्सेप्ट से उसको समझना है। फिर हम लोग 12 नंबर जो एक्सरसाइज है, जो आपका मेंसुरेशन जहां से स्टार्ट होता है क्षेत्रमिति, वहां से फॉर्मूला को समझते हैं। पहले आता है जो वृत्त है, वृत्त से फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास बटा दू। पहले समझ लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और वृत्त के व्यास को हम लोग डी से, आर से रेडियस, डी से डायमीटर, मीन्स व्यास, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक है। तो अगर जो रहेगा व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या निकालना रहेगा, तो उसको आधा कर लेंगे। एक यहाँ पे आप याद कीजिए कि जो क्या है त्रिज्या है व्यास की आधी होती है और जो व्यास है त्रिज्या की दोगुनी होती है। इस तरह से फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, आधी दोगुनी, एक आधा जो रहेगा तो उसका क्या होता है, तो आधी होती है 1/2 होती है। और फिर प्रश्न इसमें रहता है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या की कितनी होती है, तो त्रिज्या की दोगुनी होती है। इस तरह से इसको समझिएगा, तो याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला को है ना लिख के जरूर से जरूर याद कीजिएगा। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, आपके लिए ज्यादा और बहुत बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा हूं, बहुत यूजफुल आपका ये कंटेंट आपको मिल रहा है। फिर आपको कितना है 54 नंबर, तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। अगर जो व्यास दिया रहता है तो πd से भी बना लीजिए, या व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट करके 2πr का फॉर्मूला लगा के उसको हम प्रश्न को बना लेंगे। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। और एक प्रश्न में आपको दिया रहता है कि पाई का मान अगर 22/7 है तो 22/7 यूज करेंगे, उसमें दिया रहेगा। अगर जो नहीं दिया हुआ है तो 22/7 यूज करेंगे, और जितना दिया रहेगा जो 3.141 दिया रहेगा तो उसको यूज करेंगे, नहीं तो 22/7 दिया रहेगा तो 22/7, कुछ नहीं दिया रहेगा तब पर भी 22/7 यूज करेंगे पाई की जगह पर हम लोग। फिर यहां से आता है कि अर्धवृत्त, तो यहां पर आप लोग पूछिएगा कि अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, लेकिन यही चीज तो गलती हो जाता है। अर्धवृत्त की परिधि में पाई, यानी आर इंटू पाई प्लस टू, इसको पूरा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर प्लस टू आर, यानी अगर यह अर्धवृत्त है ना तो इसका तो पाई आर होता है, लेकिन इसका कहां जुड़िएगा, ये तो व्यास है ना, टू आर, तो वह सब एड होता है परिधि में। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आर इंटू पाई प्लस टू, अर्धवृत्त की परिधि कहेगा तो आर इंटू पाई प्लस टू को यूज करेंगे। फिर आता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका हाफ कर दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 57 नंबर तक। अब यहां से देखिएगा, सॉरी ये 56 तक है, 57 तक है, यहां से गलती हो गई, 58 हो जाएगा, यह 59, ये 60 हो जाएगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, यहाँ तक हो जाएगा, थोड़ा सा गलत दिखाई देता हूँ। फिर हम लोग 58 नंबर लेते हैं कि जो वृत्त का चतुर्थांश, अब वृत्त का चतुर्थांश केकरा कहते हैं उसको समझिएगा। जो कोई भी वृत्त है ना उसको चार भाग में बांटिएगा ना, तो प्रत्येक जो भाग है ना क्या कहलाएगा उसका, तो चतुर्थांश कहलाएगा। यानी जो वृत्त के क्षेत्रफल दे होगा ना उसमें 1/4 से गुना कर दीजिए, उसको चार भाग में बांट दीजिए, वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला हो गया। फिर अगला आता है चाप की लंबाई या संगत चाप की लंबाई पूछेगा, यानी थीटा कोण से वृत्त के संगत चाप की लंबाई क्या होता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला, तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, आपका वृत्त का त्रिज्यखंड पूछे या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्या लिख लेंगे, थीटा बटे 360 गुना πr स्क्वायर, यानी लंबाई पूछेगा तो उसमें 2πr से गुना कर दीजिएगा, अगर जो क्षेत्रफल पूछेगा तो πr स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा, थीटा बटा 360 रहने दीजिएगा। अब इसमें क्या है, यह संगत लघु वृत्त खंड का, लघु त्रिज खंड का है, दीर्घ त्रिज खंड पूछेगा तो जो वृत्त के क्षेत्रफल है ना उसमें से संगत यानी लघु वाला को घटा लीजिएगा, तो वह आपका आ जाएगा फॉर्मूला। फिर यहां से आता है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 61 नंबर। फिर 62 नंबर है आयत की परिमिति क्या हो, ये सब तो आपको मालूम होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौराई, हम शॉर्ट में लिख दिए लंबाई प्लस चौराई या 2 इंटू एल प्लस वी को यूज कर लेंगे। फिर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौराई। फिर आता है कि वर्ग की परिमिति, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे पहले आयत का विकर्ण है, तो आयत का जो विकर्ण है तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौराई के स्क्वायर, इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आपका कितना आता है, तो 65 नंबर वर्ग की परिधि आती, सॉरी परिमिति आएगा, परिधि या परिमाप कुछ भी पूछेगा, तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा। इस फॉर्मूला को अच्छी प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा, वीडियोस को 2 बार 3 बार करके देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा से पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसी वीडियो में वीडियो को 2 बार देखिएगा, वीडियो थोड़ा आपको लंबा मिल सकता है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, हालांकि हम तो आपका भला कर ही रहे वीडियो बना के, और आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करके हमारा भी कुछ भला आप लोग कर दीजिए। फिर आगे आता है 66 नंबर कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे लिखता है कि भुजा गुणे भुजा, वह भी सही है, वही होता है भुजा स्क्वायर, उसको शॉर्ट में लिखा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं। फिर आता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे रूट टू, चाहे रूट टू गुणे भुजा, इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला है घन का, यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग सी एस ए कहते हैं, घन का सी एस ए क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, अगर जो रहेगा संपूर्ण है या पूर्ण है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, जिसको टीएसए कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। फिर है घन का आयतन 70 नंबर, जो आपका इसमें जो फॉर्मूला 70 नंबर है, घन का आयतन तो भुजा का क्यूब होता है। फिर यहाँ पे होता है कि घनाव का विकर्ण क्या होता है, सॉरी घन का विकर्ण, तो भुजा गुणे रूट 3। इसके बाद आता है घनाव 72 नंबर, घनाव का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाव का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहां समझिएगा, एल किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं और एच किसको कहते हैं, एल से लेंथ यानी लंबाई, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, और एच से हाइट इंटू इंटू यानी इसका मतलब कि लंबाई, लंबाई सॉरी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह से इसका संपूर्ण रहेगा टीए से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीए से कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टीए से कहते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। फिर घनाव का आयतन, तो घनाव का आयतन क्या हो जाएगा, तो एल गुना बी गुना एच हो जाएगा। फिर 75 नंबर आपका आता है घनाव का विकर्ण, यानी विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौराई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से आता है कि वेलन, यानी वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, यानी वक्र कहने का मतलब कि CA से चारों साइड का गोलाकार, फिर संपूर्ण हैगा TA से क्षेत्रफल होगा, तो 2πr into h plus r हो जाएगा। यानी 2πr into h plus r कहने का मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे वाला दोनों को क्षेत्रफल को ऐड करते थे, 2πr square को ऐड कर देते हैं, उसी को शॉर्ट में करके यहाँ पे कॉमन लेके लिखा गया है।
फिर वेलन का आयतन है, तो वेलन का आयतन होता है पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर एच हो गया 78 नंबर। इसको 79 नंबर से है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समझ लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है, कि वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण को क्या होता है तो बराबर होते हैं उसके समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल रहेगा तो रूट अंडर 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और इसी का यानी परिमिति रहेगा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने भुजा। फिर आता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे समझिएगा जो गोला है ना, गोला का वक्र कहे संपूर्ण कहे पूर्ण कहे चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे बात बराबर है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। फिर यहां पर आता है कि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है तो 4/3 पायर क्यू हो जाएगा 82 नंबर। इस पर आता है 83 नंबर से अर्धगोला, तो अर्धगोला का क्या होगा तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना यानी CA से 2πr² जो गोला का है उसका आधा कर दीजिए अर्धगोला का हो जाएगा, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा तब्दीली किया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 3πr² ये वाला जो फॉर्मूला है ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछते रहता है कंफ्यूज करने के लिए कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यानी की होता है तो 3πr² होता है। इसको आता है 85 नंबर, यानी शंकु की जो त्रियक ऊंचाई जिसको एल कहते हैं, सेलेंट हाइट इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं तो रूट अंडर यानी h² + r² एच का मतलब कि लंब का स्क्वायर है, उसके लंब है यानी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। इसको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA ऑफ द कोन, इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, तो CSA निकाला है किसका तो शंकु का, तो क्या होता है पायर एल होता है। इसका 87 नंबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो पाई आर इनटू एल प्लस आर हो जाएगा। इसका शंकु का आयतन, तो जो बेलन का आयतन पढ़े है ना ओकरा में 1/3 से गुना कर दीजिए तो बेलन का आयतन की होता है सॉरी शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह 88 तक आपका ये फॉर्म, और फिर आगे का फॉर्मूला सब क्या है, 89 नंबर क्या है, शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई जिसको साइलेंट हाइट इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में उसको एल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो इसका क्या होता है रूट अंडर एल का सॉरी एच का स्क्वायर प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त यह सब फॉर्मूला आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा, हम बार बार यह वीडियो में आपको कह रहे हैं, आपके फायदे के लिए हम कह रहे हैं, आपके बहुत फायदेमंद ये फॉर्मूला आपको होने वाला है। फिर आपका 90 नंबर आता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वह क्या होता है पाई एल इंटू R1 + R2 होता है। फिर इसका आता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु का छिन्नक है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसमें क्या जोड़ देते हैं पाई इंटू R1 + R2 स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं पाई R1 + पाई R2 स्क्वायर, इसी में से हम पाई को कॉमन लेके इस फॉर्मेट में हम लिख दिए हुए हैं। फिर शंकु के छिन्नक का आयतन आता है 92 नंबर, जो आपका क्या है सूत्र है 1/3πh × R1 + R2 + R1 × R2 है। फिर आपका यह तो आपका मेंसुरेशन का जो 13 चैप्टर है ना मेंसुरेशन 13.1 से लेके पूरा जो 13.4 या 5 तक है उसका वह पूरा फॉर्मूला हो गया। इसका आपका 14 लेसन होता है सांख्यिकी स्टैटिक्स का, ये आपका क्या है तो इसका सूत्र है यानी वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह किस तरह से निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा जोड़ के और 2 से हम लोग भाग कर लेते हैं, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अब आता है कि परिसर, यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान हो जाएगा। फिर आता है माध्य जिसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है, क्या होता है सिग्मा, किसे आपको फॉर्मूला FIXI लिखा जाएगा चाहे सिग्मा FX / σF हो जाएगा, ये आपका 95 नंबर हो जाएगा। फिर आता है 96 नंबर जो बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है, तो बहुलक के लिए क्या जो सबसे ज्यादा बार शामिल हो उसमें कोई आपका जो दिया हुआ है संख्या लिखा हुआ है उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार शामिल होगा ना उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, तो ये तो अवर्गीकृत के लिए है, इसमें क्या हो जाएगा L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H उसके बीच की ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। इसको आता है माध्यक, यानी इसको माध्यक और माध्यिका दोनों कहते हैं, मीडियन होता है, तो इसका फॉर्मूला है L + N2 - CF / σF × H होता है। यह हो गया इसका इसका लास्ट फॉर्मूला आता है बहुलक, बहुलक के लिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 98 नंबर जो फॉर्मूला है ना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुलक बराबर 3 × माध्यक - 2 माध्य हो गया।
ये तो आपका हो गया 14 लेसन का। फिर आता है 15 लेसन में जो आपका है क्या है, प्रायिकता है। यह प्रायिकता से आपका क्वेश्चन है, यानी सॉरी क्या है इसका तो फॉर्मूला है, PE प्लस पी नॉट बराबर एक होता है, यानी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, दोनों को ऐड करते तो एक होता है। फिर 100 नंबर है संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, आपसे पूछा जाएंगे संभव और निश्चित घटना की प्रायिकता तो एक होती है, और असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है तो शून्य होती है। और आगे का ये इसका फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता किसे कहते हैं, उसके लिए प्रायिकता किस तरह से निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, जिसको हम लोग पीई कहते हैं। पीई का मतलब प्रायिकता यानी होने की प्रायिकता, और पीई के ऊपर आपका माइनस का चिन्ह रहेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता नहीं होने की, यानी नहीं होने की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगी, घटनाओं की कुल संख्या, जो घटना घटित हो रहा है उसका जो संख्या है इसे लिख लेंगे कितना बार घटना घटित हो रहा है, और बटा में क्या करना है कुल संभावित परिणाम, जो पूरा संभावित परिणाम है ना उसको लेके उसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा तो प्रायिकता आ जाएगा। यहां तक 102 तक आपका पूरा चैप्टर का खत्म है, लेकिन हम आपको बताए थे वीडियो में कि जो चैप्टर 6 है त्रिभुज है उसका फॉर्मूला हम लास्ट में आपको बताएंगे, तो वही फॉर्मूला है 103 नंबर फॉर्मूला त्रिभुज का, यानी छठा चैप्टर का है। आप लोग चैप्टर वाइज करके इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ रहे उस तरह से लिख लीजिएगा, या सीरियल वाइज एक पेज पर एक कॉपी बना लीजिएगा मैथमेटिक्स के फॉर्मूला का, एक पेज पर अच्छा सेंसिटिव वाले पेज पर लिख लीजिएगा, और उसको एक दिन में एक बार जरूर देखिएगा। 10-10 फॉर्मूला देखिए, डेली देखिए, 1 से 10 तक देख लीजिए, फिर 10 से 20 तक देखिए, 20 से 30 तक, ऐसे कर करके डेली बेसिस पर 10, 20, 30, 40 जितना आपकी क्षमता है, आपकी जितनी औकात है याद करने की, उस हिसाब से इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रकार से हम पूरा फॉर्मूला को समझाते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। आगे है 103 नंबर जो त्रिभुज के छत त्रिभुज से है, क्या है जब एबीसी यानी एबीसी में क्या होता है बीसी जो है पैरेलल किसके है यानी समांतर किसके है तो डी के, तो इसके लिए तीन कंडीशन होता है, तीन शर्त होता है, क्या क्या होता है इसे देखिएगा। पहला होता है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, पहला कंडीशन। फिर दूसरा आता है क्या होता है AB बटा DB, अब ये तो आधा आधा हो गया, अब एक बार पूरा लेते हैं AB बटा DB, फिर AE बटा EC, ये हो गया। अब इसका अब उल्टा करने का क्या मतलब, AD बटा AB और फिर AE बटा AC, यह तीन जो कंडीशन है ना, यह त्रिभुज छठा चैप्टर है, इसको लिख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला को अच्छी प्रकार से याद कीजिएगा, आपको अच्छी प्रकार से याद भी होगा। अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 20 से 25 नंबर इस पूरा फॉर्मूला में क्लियर हो रहा है दोस्त। अगर से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के लिए हम कहला कहते हर एक वीडियो को कि आपका जो और दोस्त है बहुत अच्छी प्रकार से मैथमेटिक्स को समझ सके, उसकी पूरी फॉर्मूला को लिख सकते। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 10th का जो गणित है ना इसका पूरा फॉर्मूला हमको बता दीजिए, तो समझिए मेरे दोस्त पूरा फॉर्मूला आपको 100 यानी 100 के आसपास, 103 है, 100 फॉर्मूला है, इसको आप 5 से 10 दिन में अच्छा प्रकार से पूरा कंथस्ट याद कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए भी बेटर रहेगा, या आप जो तैयारी करेंगे क्लास 10th की जब आएंगे उस समय भी आपको यह बेनिफिट होगा। पूरा मैं चैप्टर बेसिस पर बता दिया हूं आपको, पूरा फॉर्मूला को लिख के अच्छे प्रकार से याद जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहा कि हम तो आपका इस वीडियो में भला कर दिए, और आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करके एक बार हमारा भी भला कर दीजिए, ठीक है। यह वीडियो जो आपको कैसा लगा है चैट सेक्शन में जरूर चैट में लिखिएगा कि कैसा लगा है, अब किस टॉपिक पर आए के वीडियो चाहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। अगर जिस चैनल पर नया है ना एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन तो जरूर कीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले जरूर पहुंचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।